एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मानसी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीशो मेकअप कॉम्बो किट। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसका रिव्यू और डेमो शेयर करूँगी। तो आज से पहले मैं इसको एक दो बार और यूज़ कर चुकी हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इन प्रोडक्ट के लिए और ये किस टाइप सा वर्क करता है हमारी स्किन पे, इन्हीं सब टॉपिक पे होगी आज की वीडियो। एंड वीडियो करते हैं स्टार्ट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकअप कॉम्बो किट में ये चार प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए थे, जिसमें से फर्स्ट है प्राइमर, कॉन्टोर, मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड द फाउंडेशन। तो इन्हीं चार प्रोडक्ट्स का मैं आपके साथ आज रिव्यू एंड डेमो शेयर कर रही हूँ। सो फर्स्ट प्रोडक्ट है प्राइमर। तो इसके फ्रंट पे कुछ भी इसका ब्रांड मेंशन नहीं किया है, इसकी एक्सपायरी डेट, इसका प्राइस मेंशन नहीं किया है। जस्ट इसमें लिखा है कि 30 ml इसकी क्वांटिटी है। अगर हम इसको ओपन करें तो अंदर से ये पंप टाइप प्राइमर देखने को मिलता है, जिसके फ्रंट पे लिखा है फाउंडेशन इल्यूमिनेटिंग प्राइमर बेस वाटरप्रूफ। इसमें भी इसकी क्वांटिटी 30 ml मेंशन की गई है। तो मैं थोड़ा सा प्राइमर अपने हाथ पे ले रही हूँ और एक से दो पंप इनफ है फेस के लिए। ये प्राइमर को आपने अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। इसको ड्राई होने में जस्ट 1 मिनट ही लगता है, 1 मिनट के अंदर अंदर ये ड्राई हो जाता है। ये प्राइमर मेकअप के बेस को बहुत स्मूथ बना देता है, जिससे फाउंडेशन को अप्लाई करने में उसकी फिनिश भी बहुत स्मूथ आती है और पोर्स को भी ये मिनिमाइज करता है। एंड द सेकेंड प्रोडक्ट इज फाउंडेशन। तो इसके फ्रंट पे लिखा है फिट मी मैट प्लस पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन फाउंडेशन, जिसमें इसका शेड है 110। तो इसमें शेड चूजिंग का कोई ऑप्शन नहीं था, जस्ट आपने इसको बाई करना है तो कोई सा भी शेड आपको मिल सकता है। जिसमें इसकी एक्सपायरी डेट है 3 साल के लिए, यानी कि आप इसको 3 साल इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इतना सा फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये ब्लेंड हो रहा है स्किन पे, और इसकी कवरेज ना बहुत लाइट सी है, बहुत शेयर सी कवरेज देता है। एंड आप देख सकते हैं कि ब्लेंड करने के बाद ये बहुत लाइट सी कवरेज दे रहा है। लाइक मेरे जो डार्क स्पॉट्स थे, पिंपल मार्क्स थे, उनको इसने बिल्कुल भी हाइड नहीं किया है। एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज कॉन्टोर एंड हाइलाइटर स्टिक। तो इसके फ्रंट पे लिखा है फैब सीक्रेट कॉन्टोर एंड हाइलाइटर स्टिक है ये, और इसमें भी इसका प्राइस कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है और ना ही इसकी एक्सपायरी डेट इसमें मेंशन की गई है। जिसकी क्वांटिटी है 8 ग्राम। ये 2-in-1 आपको मिलता है प्रोडक्ट, जिसमें कॉन्टोर एंड हाइलाइटर स्टिक अवेलेबल होती है। तो पहले मैं इसकी कॉन्टोरिंग साइड यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने नोज़ पे, अपने जॉ एरिया पे, अपनी चिक बोन पे, इधर साइड पे कॉन्टोरिंग स्टिक को अप्लाई कर रही हूँ। और इसको यूज़ करना बहुत इजी है और ये इजीली ब्लेंड हो जाता है स्किन पे। और अब बारी है इसकी हाइलाइटर स्टिक की। तो मैं अब इसको अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करूँगी, लाइक ब्रिज ऑफ द नोज एंड चिक बोन एरिया। एंड द फोर्थ प्रोडक्ट इज फिट मी द मैट मेकअप फिक्सर। तो अब इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से पंप टाइप पैकेजिंग में आता है, और इसके फ्रंट पे लिखा है फिट मी द मैट मेकअप फिक्सर मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे। इस पे लिखा है जिसकी क्वांटिटी 100 ml है। तो क्वांटिटी वाइज इन्होंने बहुत अच्छी क्वांटिटी प्रोवाइड की है, जिसका प्राइस है 299 rupees। और बस यही प्रोडक्ट है जिसमें इसका प्राइस मेंशन है, और बाकी के 3 प्रोडक्ट्स में इसका प्राइस मेंशन नहीं किया गया है। जिसकी एक्सपायरी डेट है 3 साल के लिए, यानी कि आप भी इसको 3 साल इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो अब मैं इसको अपनी स्किन पर अप्लाई कर रही हूँ, और आपने सेटिंग स्प्रे के जस्ट 3 से 4 पंप ही अपनी स्किन पर अप्लाई करने हैं। ये बहुत अच्छा वर्क करता है और ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। सो फ्रेंड्स, ये तो था इन प्रोडक्ट्स का रिव्यू एंड डेमो। बात करें अगर इन प्रोडक्ट्स की, तो प्राइमर एंड मेकअप सेटिंग स्प्रे ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छा वर्क करते हैं स्किन पे। ये स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करता है, बेस बहुत स्मूथ बना देता है, और ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। सो पर्सनली ये दोनों प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट ना बहुत अच्छा वर्क करता है। एंड द सेकेंड प्रोडक्ट इज कॉन्टोर एंड हाइलाइटर स्टिक। ये 2-in-1 प्रोडक्ट है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अफोर्डेबल है, इजी टू यूज़ है, इजी टू कैरी है, इजीली ब्लेंड हो जाता है। बस इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि बहुत लाइट सी लाइट साइज इन दोनों का कलर है, बहुत लाइट सी कॉन्टोरिंग एंड हाइलाइटर है इसका। अगर आपको लाइट सी कॉन्टोरिंग एंड हाइलाइटर करना पसंद है तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस मेकअप कॉम्बो किट का सबसे बकवास प्रोडक्ट मुझे यही लगा, क्योंकि पहली बात इसमें शेड चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है, सेकेंडली इसकी फ्रेग्रेंस बहुत गंदी है। लाइक इसकी फ्रेग्रेंस ना बाथिंग सोप होता है उस टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस है। सो इन चारों प्रोडक्ट्स में सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं ये दोनों। उसके बाद जो 50-50 मुझे प्रोडक्ट लगा वो है ये कॉन्टोर एंड हाइलाइटर स्टिक, एंड सबसे बकवास प्रोडक्ट है ये फाउंडेशन। सो फ्रेंड्स, आ गए वीडियो के इन पे, एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी।
अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप इनको बाय कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे करना लाइक, और ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, एंड उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे हिट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।